हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ है दो बीस्ट, और मान सकते हो भाई बहन या भाई भाई का अंदर लड़ाई होने वाली है। तो ये भी 2019 मॉडल है और ये भी 2019 मॉडल है, दोनों सेम ही है। बस फर्क इतना है कि मेरे वाले में ABS है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ABS लिखा हुआ है और इसमें कोई भी ABS नहीं आता। इसका मतलब जो पहले जो Apache 164 भी लॉन्च हुई थी, जो जितने भी स्लॉट थे, ये उन्हीं में से एक है ये बाइक। और मेरा शायद उस वो लॉन्च होने के बाद शायद 6-7 महीने बाद मेरा आया था, तो मेरे में जो ABS मतलब इंक्लूड हो गया था इसमें नहीं है। वरना देख सकते हैं जो वेरियंट है वो दोनों ही सेम है। मेरे भी जो पीछे वाले में डिक्स आता है, इसमें भी डिक्स आता है, बस फर्क ABS का ही है और कोई भी फर्क नहीं है। और उसी के साथ साथ जो ये दोनों ही कार्बोरेटर मॉडल है, तो FI वाला मॉडल नहीं है। वो तभी आता था जो टॉप मॉडल आता था इसका, पहले उसमें आपको FI मिलता था और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो लाइट वगैरह वो आपको जो व्हाइट कलर में मिलता था और ये येलो कलर में इतना, और थोड़ा जो हेडलाइट का ब्राइट भी उसमें ज़्यादा मिलता था। ऐसे 2-3 चीज़ ही ज़्यादा मिलते थे उसमें। इन दोनों बाइक एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ABS का फ़र्क है और ये थोड़ा ज़्यादा पुरानी है। और ये कितना चला है, तो ये कुछ आसपास 32 चला है और मेरा बाइक 23 के आसपास। तो ये ज़्यादा पुराना है इसलिए 10,000 ज़्यादा भी चली है। तो बाइक की कंडीशन वगैरह एकदम अच्छा है, बाइक में कोई भी ऐसे नहीं कि सर्विसिंग वगैरह नहीं हुआ है, सब कुछ परफेक्ट हुआ है। तो एक बार ड्रैग रेस करते हैं और ब्रो यू वर्सेस मी, देखते हैं कौन जीतता है और देखते हैं कौन जीतता है। इसका वेट अराउंड 75 के आसपास है और मेरा वेट 80 के आसपास है। तो वेयर मतलब हम लोग कॉन्फर्म नहीं है उसका कितना है, पर मेरा तो 80 है, उसका 70 से 75 के आसपास होगा। हम लोग 100 तक का ही जो ड्रैग रेस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा ये थोड़ा रोड थोड़ा ज़्यादा सेफ नहीं है और थोड़ा जो भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है, तो थोड़ा देखते हैं कितने तक जा पाते हैं। पर हम लोग 100 के अराउंड ही रुकेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। तो ब्रो मैं 3 हॉर्न दूंगा, तो तीसरी हॉर्न पे जाना है। ओके, अबे यार इस हालत दुख क्या है, खत्म नहीं होता है। ओके रेडी रे, रेडी रे, इससे पहले चले जाना है। अबे वो जब तक निकलेगा हम लोग उसके पास पहुंच जाएंगे। तो पहला रेस ये हार चुका है, इसका लॉन्च ठीक से नहीं हुआ या इसका बाइक ने साथ नहीं दिया, पर ये पहला रेस हार चुका है। तो उस साइड से भी एक बार करेंगे, तो मैं उधर आगे रुकता हूँ, तू यहाँ जा। तो इस साइड से भी एक बार करेंगे और पहला रेस मैं जीत चुका हूँ, तो देखते हैं भाई। ये हो गया ना, ये लॉन्चिंग के ऊपर आ गया क्योंकि सेम टू सेम बाइक है, तो पावर पिकअप वगैरह सब कुछ सेम ही है। उसमें भी 16.5 BHP और इसमें भी 16.5 BHP, वो भी कार्बोरेटर ये भी कार्बोरेटर, और टॉर्क वगैरह भी सेम ही है 14.8 और इसमें भी 14.8, तो पावर वगैरह सेम है। और थोड़ा जो लॉन्चिंग के ऊपर और जो अपना जो रिएक्शन टाइम के ऊपर आ जाता है, और देखते हैं सेकेंड राउंड भी करते हैं और उसके बाद मैं उस बाइक को चलाऊंगा और वो इस बाइक को चलाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो भी पता चल जाएगा कि एक में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, वो भी पता चल जाएगा उस रेस में। तो चलते हैं एक बार एक और करते हैं, क्योंकि जो हमारे भाई थे वो थोड़ा अच्छे से हुआ ना, सेटिस्फेक्शन है ना। ओ तो थोड़ा नीचे पहना ना, नीचे पहन
हाँ, तो तू एक काम कर, तेरे को लगता है कि तुझे और एक बार उस पे करना है, करना है या इसमें कर? तो छोड़, इसमें ही तू कर दे, क्योंकि वैसे भी तेरा लॉन्च ठीक ठाक हुआ था, पर जा उधर जा। हाँ तो उसको चला ना, वो थोड़ा नया है ना, मैं इसको चलाता हूँ, देखते हैं कौन जीतते। तू हॉर्न दे या मेरे, मैं थोड़ा तेरा क्लॉज वगैरह की सेटिंग देख लेता हूँ। ओ हाँ, तो तीन हॉर्न, ओके रेडी रे। You can't beat me, bro. तो जैसे कि आपने देखा, दो बार हम लोगों ने रेस किया और दो बार मैं ही जीता, और इसका थोड़ा जो हेलमेट का प्रॉब्लम आ रहा है कि ये बोल रहा है कि इसमें हवा लग के ये भी हो रहा है, और ये भी, ये आप देख सकते हैं ये भेगा का है, और जब मैं इस हेलमेट को जो मैं यूज कर रहा हूँ स्टील बेल्ट का AR2, जब लेने गया था तो इसको भी देखा था, पर ये थोड़ा ऑफ रोडिंग जैसा लगता है तो मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। ये मॉड मॉड ये, और हाँ, तो ये थोड़ा ऐसे बोल रहा है कि इसमें हवा लग के ऊपर उठ जा रहा है, तो हेलमेट का भी थोड़ा इशू है। और बाय द वे, दो बार मैं जीता, और इसे पता चलता है कि बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बाइक सही है। थोड़ा जो राइडर का लॉन्चिंग वगैरह और थोड़ा इस पर मैटर करता है जब सेम बाइक आ जाते हैं। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और आप अगर भी आप ही अगर एक अपाची लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं मेरे बाइक के साथ, अदर्स बाइक के जो ड्रैग रेस वगैरह। तो वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और इस बाइक का जो और क्या कमेंट करना मत भूलना, कैसा लगा? हाँ, कमेंट भी कर देना। और जो उस बाइक के साथ हमने जो FG का भी एक रेस किया था, अरे FG का भी, FG V3 जो न्यूली लॉन्च हुआ है मेरे दोस्त का है, और उसके साथ भी ड्रैग रेस किया था, तब भी मेरा बाइक ही जीता था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर देना। थैंक यू सो मच, लेट्स गो। भाई अपनी बाइक को चलते हुए देखने में जो मजा है ना भाई, वो दुनिया में कहीं पे भी मजा नहीं है। और बारिश हो रही है यार, मेरा कैमरा गीला हो जाएगा यार। आजा आजा ब्रो आजा। और ये आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका चल रहा है, क्योंकि ये वाला रेड है और वो ब्लू है, तो दोनों में घमासम टक्कर चल रहा है। ये वाला बाइक थोड़ा राउडी जैसा लग रहा है, क्योंकि इसका जो मिरर वगैरह निकल दे। अरे भाई तेरे पे गाड़ी बहुत जच रहा है, अरे तू बोले जा, मैं इसको ले जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, थोड़ा पुराना है पर चलेगा भाई।